नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत रत्न सुर साम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन पर। जी हाँ दोस्तों, और यह वीडियो हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से और हमारे पूरे YouTube परिवार की ओर से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं गणित के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से और अंग्रेजी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है, उन्होंने जो अपने जीवन में अर्जित किया है, उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी मान सम्मान पाए हैं, जितने अवार्ड पाए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उनके जन्मदिन से लेकर, है ना, उनके जन्मदिन से लेकर जब उसने अपने प्राण को त्यागा, जब वो पंच तत्वों में विलीन हुआ, उन सभी तिथियों पर हम चर्चा करेंगे गणित के माध्यम से। और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखोगे ना तो आप भी दंग रह जाएंगे कि वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में इतना संयोग कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को साधना समझ लेता है, पूजा समझ लेता है, तो आप लोग निश्चित रूप से, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझता है और उसके आधार पर वो कर्म करता है, तो निश्चित रूप से जो उसका जीवन है वो सफल होता है। और वो कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता, तो उनका व्यक्तित्व क्या हो जाता है, महान हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उसके शुरुआत से लेकर, और यहाँ पर हम कुछ चर्चा करेंगे तुलना करके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। कहने का मतलब ये है, जब ये गाना गाया गया तो उसने उस गीत को जिसने भी सुना उनके आंखों में आंसू भर गया। और अभी पूरे भारतवासी, न केवल भारतवासी, पूरे विश्व के लोगों ने जब ये सुना तो उनके आंखों में निश्चित रूप से आंसू भर आए हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत रत्न लता मंगेशकर के जीवन पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो सत सत नमन है भारत के उन महान हस्ती को, है ना, जिन्होंने अपने पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया। तो सबसे पहले हम देखिए, हम चर्चा करेंगे इनके जीवन पर। और यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है ये सब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इनके नाम पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसके नाम को यदि हम अंग्रेजी में लिखें, और हिंदी में भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम नाम लिखें, चलो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। देखिए, ये मैं केवल तुलना करने के लिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसका नाम है, देखिए, LATA लता, ठीक है। और इसी को यदि हम उल्टा कर दें, ध्यान दीजिएगा, उल्टा कर दें, तो यह क्या बनता है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या बना है। ये दोनों नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों ही भारत रत्न हैं। संयोग भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इनके जीवन और इनके जीवन में क्या संयोग है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, इसके नाम में और इसके नाम में, ये सीधा और ये उल्टा, दोनों ही भारत रत्न है। अब ये तो हो गया एक संयोग, लेकिन इनके जीवन का संयोग, देखिए इनका जन्म जो हुआ है, देखिए मैं बता रहा हूं, इनका जन्म जो हुआ है 28/9/1929 को, 1929। अब ध्यान दीजिए, लता मंगेशकर के जीवन में, मैं उसके बोला ना, उनके जीवन के जो शुरुआत के जो तिथि है वहां से आपको बताने वाला हूं कि इनके जीवन में कितने संयोग हुए हैं। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ है 25। इस नाम को आप ध्यान से देख लीजिएगा, जिसके नाम में ही, ध्यान दीजिए, जिसके नाम में ही सुर और ताल छुपा हुआ है। देखिए कैसे, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। जैसे इसका हम हिंदी नाम लिखते हैं तो इसका नाम होता है लता मंगेशकर। तो इसका पहला शब्द, देखिए हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार, तो पहला शब्द ल से हुआ है, लय, है ना, यहां पर हम लिखना चाहें तो ये होता है लय, ठीक है। और दूसरा शब्द है जिससे हम बना सकते हैं ताल, ठीक है। तो जिसके नाम में ही लय और ताल है, ठीक है, ये तो हो गया हिंदी में। अगर हम इसकी अंग्रेजी में बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो शब्द है, ध्यान दीजिए, मैं इनको आपको बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे ना तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में ये संयोग तो पहले से बना हुआ है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इसके जो शरीर त्यागने का जो दिवस है उसमें एक अद्भुत संयोग है भाई, उसको जरूर देखिएगा। और इनको कब कब अवार्ड मिला, कब कब इनको पुरस्कार मिले हैं, उस सन पर भी विशेष खासियत है। कैसे, सबसे पहले इनके नाम पर हम देख लेते हैं। अगर इस नाम को हम ये देखें कि अंग्रेजी नाम का अक्षर कहाँ पे है, अब गणितीय व्याख्या कर रहे हैं, हमने हिंदी का तो कर लिया, अब इंग्लिश अक्षर को ले रहे हैं और इंग्लिश अक्षर को हम गणित में चेंज कर रहे हैं, तो एल जो है कौन सा अक्षर है, ध्यान दीजिए, ये 12वां अक्षर होता है
अंग्रेजी का, ठीक है। तो मैंने यहां पर बार बार अक्षर लिख लिया, चलो इसको मैं बड़ा बड़ा अक्षर लिख के आपको बता रहा हूं, इसको मैं बीच में ले जाता हूं, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ये मैं नाम लिख रहा हूं और इसको आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये जो है अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है, चाहे तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है तो ये मैं लिख लेता हूं। ये 12वां अक्षर है और ये जो है पहला अक्षर है, ठीक है। और टी कौन सा अक्षर है, T20 करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, T20 मतलब ये जो है 20वां अक्षर है, ठीक है। और ये फिर से कौन सा अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर है। तो दोस्तों आपको यहां पर कुछ अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको यदि इसमें अगर ध्यान से देखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जो है इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और इनको भारत रत्न का पुरस्कार कब मिला है वो भी इसी में छुपा हुआ है। ध्यान दीजिए, इसके अंग्रेजी नाम के अक्षरों को यदि हम जोड़ते, ध्यान दीजिए, देखो मैंने अंग्रेजी अक्षर के इनको लिखा है और इन अक्षरों को यदि हम जोड़ते हैं, जबकि हमने अंग्रेजी नाम लिया है, तो इनको जोड़ेंगे तो एक में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तीन होगा, तीन में एक जोड़ेंगे चार होगा, चार में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा छह होगा, और छह में एक जोड़ेंगे तो यहां पर कितना होगा सात। अब सोच कर देखिए, हिंदी नाम में तो क्या था, लय और ताल था ही, लेकिन अंग्रेजी नाम में क्या आ रहा है, सात आ रहा है, और सात क्या होते हैं, सुर होते हैं, है ना, सात सुर होते हैं संगीत में, तो इसके नाम में ही सात सुर भी छुपे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब आप देखोगे ना और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि हम लता मंगेशकर जी को अपनी ओर से, अपने YouTube परिवार की ओर से एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। देखिए यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, यहां पर भारत रत्न लिखा है और ये उनके नाम से मैंने लिया है, और इनको भारत रत्न कब मिला वो भी उस सन में छुपा हुआ है। देखिए अगर इसमें हम थोड़ा से चेंज करें, ध्यान दीजिए, इसको हम यहां मिला दे, देख लीजिएगा यहां पर मिला दिए, और यहां पे हम थोड़ा सा इस प्रकार कर दें तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रत्न हो गया। अब देखिए ये र बनाएंगे, इसको हम कर देंगे त, ठीक है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना होगा, तो यहां पर आपको इस प्रकार लिख देना है, तो आप देख सकते हैं भारत रत्न जो कि हमने उसके नाम से लिया है, तो निश्चित रूप से लता मंगेशकर भारत रत्न है, और पूरा प्रकृति और पूरा गणित भी उनको समझता है कि वास्तव में ये भारत रत्न तो है। अब इनको भारत रत्न का सम्मान कब मिला उस पर भी चर्चा करेंगे, और एक और चीज चर्चा करेंगे कि इनको जो अवार्ड है ना वो कब कब मिले हैं, तो मैं इसके कुछ मेन अवार्ड की बात करता हूं जिसमें 9 छुपा हुआ है, और 9 की खासियत आप जानते हैं, एक अंकों का सबसे बड़ा अंक होता है 9। अब इनको पहला अवार्ड जो मिला 1969, ठीक है, ये कब मिला, पद्म भूषण, ठीक है, और ये इनाम मिला, देखिए इसके लास्ट में क्या है, 9 आया है जो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहां पर भी 9 आया है पहला अवार्ड। फिर अगले साल इसको कब मिला, इसका अवार्ड मिला 189 को, इसमें भी 9 आया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं 1989 में इनको मिला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसके बाद इसको मिला 1999 में, यहां पर देखिए पूरा 9 का समावेश है, और देख सकते हैं कि 9 ने इनका साथ नहीं छोड़ा, मतलब सबसे बड़ा अंक, मतलब गणित भी इनको साथ दे रहा है, और यहां पर भी इनको मिला है पद्म भूषण का पुरस्कार। और देखिए इनको भारत रत्न कब मिला, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि इनके नाम में तो भारत रत्न हमने ढूंढ लिया, और इनको जिस सन में भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, जी हाँ दोस्तों, उसको ही मैं यहां पर लिखूं, तो इनको मिला है 2001 में। तो क्या इसमें भारत रत्न का रत्न शब्द छुपा हुआ है, निश्चित रूप से, अगर इसको हम इस प्रकार लिख दें और इसको हम थोड़ा से चेंज कर दें, इस प्रकार मिटा दें, चेंज कर दें, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इसमें भी रत्न मिल गया, मतलब भारत रत्न उनको मिला 2001 में, और ये मैंने 2001 से ही बनाया है। अब हम चर्चा करते हैं, ये तो आप देखो ये मैंने क्या लिखा है, ये अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे, कविता लिखते थे, बहुत अच्छा कवि, और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनके जीवन और इनके जीवन में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए, इनका जीवन पूरा, ये कहते थे कि मेरा जीवन जो है पूरा देश के लिए समर्पित है, पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो जो राष्ट्रभक्त है ना, जो देशभक्त हैं, उनका जो जीवन है, उनका जो पंच तत्व में विलीन होने का जो तिथि है वो भी खास है। तो भाई जब अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है वो खास है, तो इनका देशभक्ति के आधार पर इनका जो पंच तत्व में विलीन होने का तिथि वो भी खास होगा, वो कैसे, देखिए इनका था 16 अगस्त, अब कहने की आवश्यकता नहीं है, 16 अगस्त 2000
18, ठीक है। हमें केवल इस पर चर्चा करना है, हमें पता है कि हमारा भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, जस्ट उसके दूसरे दिन, है ना, दिन दिन की बात कर रहे हैं, तिथि की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को आजाद हुआ हमारा देश और 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को अपना शरीर त्यागा। तो उसी प्रकार आप सभी जानते हैं इस साल 5 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी को एक विशेष दिन था। कौन सा दिन था बताने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन था बसंत पंचमी, मतलब सरस्वती पूजा। और आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर ने अपने पूरा जीवन काल में सुर की ही साधना की है, सरस्वती की साधना की है। तो भाई इनका जो जीवन है इतना विशेष है, तो इनका पंच तत्व में विलीन होने का तिथि विशेष क्यों नहीं होगा। और यहां पर इतना विशेष है ना इनका, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर मैं गणित व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इनका जो पंच तत्व में विलीन होने का जो तिथि है वो कब है, यहां पर मैं आपको लिख कर बता रहा हूं। देखिए यहां पर इनका तिथि है 6 फरवरी और 2022। तो इसमें क्या खासियत है, यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें एक विशेष खासियत छुपी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसको मैं केवल 3 गुणित और इसको मैं 2 कर दूं, 3 गुणित 2, ध्यान दीजिए इसको मैं संयोग के लिए कर रहा हूं, है ना, तो 3 गुणित 2 करेंगे मतलब 6 ही आएगा, बाकी यहां पर तो 2 ही है और ये 2022 ही है, ठीक है। इतने को हम अलग कर दें, ध्यान दीजिएगा, इतने को यदि हम अलग कर देते हैं, अब यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि इनके पूरा जीवन काल में तो संयोग रहा ही, और अंत में भी आप यहां पर देख सकते हैं 2, है ना, 3 दुनी 6, हालांकि 6 फरवरी 2022, इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि वो संयोग मैं आपको बता सकूं कि कितना रहस्य छुपा हुआ है। तो ये हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है। देखिए यहां पर 2 2 2 2 और 2 कितने बार आया है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 और 5 बार, 5 बार आया है, तो 5 को मैं यहां पर लिख देता हूं। और 5 बार कौन आया है, 2 आया है, निश्चित रूप से 5 बार यदि 2 आया है तो ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनके पूरा जीवन काल में 7 सुर का पूरा महत्व है। अब मैं ये नहीं बताने वाला, ये तो हो गया 7 सुर, तो इनका 7 छोड़ ही ना रहा है, पूरा जीवन भर गणित ने, हिंदी सभी ने इनका साथ दिया है। अब देखिए यदि हम 5 की बात करें, है ना, इसमें 5 है ना, 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलके बना होता है, और वो 5 तत्व कौन सा है, जिसको हम बोलते हैं भ ग व, है ना, यहां पर हम अलग लिख देते हैं इसको, और ये न, तो ये भगवान ही वो 5 तत्व है। भ से क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, इसका मतलब तो भूमि, ग से गगन, ठीक है, और व से वायु, यहां पर हम लिखते हैं वायु, और अ से अग्नि, ये देखिए अग्नि, और न से नीर मतलब पानी। तो भाई इनके जीवन काल में, है ना, इनके जीवन काल में तो पूरा प्रकृति ने इनका साथ दिया ही, और जब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा, पंच तत्व में विलीन हुआ, तो कौन से तिथि को चयन किया, बसंत पंचमी के जस्ट दूसरे दिन, मतलब सरस्वती पूजा के जस्ट दूसरे दिन, मतलब इसका पूरा जीवन काल जो है सरस्वती को समर्पित तो था ही, और जब ये शरीर को त्यागे, है ना, तो वो किस पर विलीन हो गए, इस भगवान पर विलीन हो गए, वो भी कौन से तिथि को, जस्ट सरस्वती पूजा के जस्ट दूसरे दिन। तो ये मैंने प्रयास किया है अपने हिसाब से भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने का, और निश्चित रूप से यह वीडियो हमारी ओर से और हमारे पूरे YouTube परिवार की ओर से भारत रत्न लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि है, और उनको शत शत नमन है। निश्चित रूप से यह वीडियो, अगर मुझसे कुछ गलती हुआ होगा तो आप लोग निश्चित रूप से आप मुझे क्षमा जरूर करेंगे, और इस वीडियो को श्रद्धांजलि स्वरूप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करके इतना तो जरूर बता दीजिएगा कि वास्तव में ये जो है आपको कैसा लगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, और लास्ट में इस पंक्ति को हम जरूर बोलेंगे, जिसको मौत से ठन गई, ये किसने लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, और ये कहते हैं कि मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तो कुछ से क्यों डरूं। जी हां दोस्तों, तो ये दोनों के जीवन से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है इनको तुलना करके समझाने का, और निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।